तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी थी, तो मैंने उसमें बताया था कि भाई मैंने कुछ पतंगें लूटी हैं, तो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जो मैंने पतंगें पकड़ी हैं। और सबसे पहले यार अभी टाइम बताता हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30, और मेरी तरफ यार अभी से क्लब वाले जो हैं वो पेड़ लड़ाने लगे। तो अब इस वीडियो में तो खाली पतंग दिखाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके लिए पेजों की वीडियो भी बना दूंगा जो आपको आगे मिल जाएगी। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूं जो जो पतंगें मैंने पकड़ी हैं। तो पहले बैग खोल लेते हैं हम। ये देखिए, इसमें काफ़ी पतंगें हैं यार। ज़्यादातर पतंगें तो जो मैं ख़रीद के लाए हैं वही हैं, और थोड़ी पतंगें जो मैंने पकड़ी हैं वो हैं। तो ये देखिए, ऊपर से जो ये पतंगें रखी हैं, ये पतंगें हो गई जो मैंने पकड़ी हैं अभी 3-4 दिन के अंदर। तो ये रही, तो आज तो मैं आपको यही दिखाऊंगा। और जो ये पतंगें ये मैं नई लेकर आया हूँ, तो इसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। और पौनी पतंगें हैं इसमें ज़्यादातर, तो वो भी आपको जल्दी अगली वीडियो में दिखा दूँगा, नहीं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही पतंगें, और ये पतंगें मैं जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उसी समय पकड़ लेता हूँ। मतलब वीडियो बनाता हूँ तो पतंगें आ जाती तो मैं पकड़ भी लेता हूँ। तो पतंगें गिनती हम कितनी हैं, 1, 2, ये रही 3, ये रही 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 पतंगें करीब हैं ये, और मैंने सिर्फ ये 2 दिन के अंदर पकड़ी है 9 पतंगें। तो चलिए फिर आपको दिखाता हूँ एक एक पतंग, और बढ़िया पतंगें हैं सारी ज़्यादातर इसमें। तो सबसे पहले ये देखिए, पौनी पतंग, अजंता पेपर के ऊपर पतंग है, थोड़ा गोल फरमा है। और पतंग देखें तो यार पतंग बढ़िया एकदम सॉलिड। थोड़ी पतंग यार यहाँ से ये देखिए झोल मारी पड़ी है, और लेकिन जब हम ये धूप में रखेंगे तो ये पतंग सही हो जाएगी धूप में रख के। आगे से देख सकते हैं ये ऐसी है, और सही है, पतंग सॉलिड है, टाइट पतंग है। ये देखिए, मेकर का नाम नहीं लिखा है किसकी पतंग है। चलिए इसे रखते हैं, अगली पतंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यार आप इस पतंग को देख के हंसेंगे। अब ये देखिए, ये पतंग है आपका डोंगा कहते हैं इसे, लेकिन ये थोड़े बड़े में है। और ये पतंग है पेजों की, आप टेप देख सकते हैं। भाई किसी बंदे ने यार ये पतंग पेजों में लड़ा दी थी, और अजंता पेपर के ऊपर पतंग है। लेकिन यार ऐसी पतंगें लड़ानी नहीं चाहिए पेजों में, क्योंकि इन पर पत्ता नहीं होता है, और इन पर पत्ता नहीं होता तो ये पतंगें वेट नहीं लेती हैं, और वेट नहीं लेंगी तो यार ये पतंगें ज़्यादा अच्छी नहीं चलती हैं। और जितनी पतंगें इस बंदे ने लड़ाई थी, ये डोंग है, ये ज़्यादातर इन्हें 5-6 पतंगें लड़ाई थी, और ये 5-6 पतंगें लगातार ही कट गया था। मतलब एक भी पतंग इस पतंग ने नहीं काटी है डोंगे ने। तो ऐसी पतंग यार आप अवॉइड ही करें लड़ाना, और नॉर्मल पतंग उड़ाएं। और ऐसी पतंग यार सोख ले सही है फेस्टिवल के टाइम में, पेज वेज में नहीं लड़ती हैं ऐसी पतंगें। चलिए फिर इसे भी अब हम रखते हैं साइड में। नेक्स्ट पतंग आती है आपकी, अभी है अद्दी पतंग। छोटे फरमे में आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन है भाई अद्दी, थोड़ा गोल फरमा कह सकते हैं, छोटा है। और काइट मेकर का नाम है भाई फैज़ काइट, क्या लिखा मेकर, फैज़ काइट सेंटर की पतंग है। अच्छा, अगली पतंग सेम टू सेम ऐसी ही, बस पत्ते का चेंज है। और पतंग जो अभी इससे पहले दिखाई थी वही पतंग है, और ये भी छोटे फरमे की पतंग है। पतंग ये भी बढ़िया है, और ये देखिए इसमें वही लिखा है फैज़ काइट सेंटर। चलिए इसे भी रखते हैं हम अलग। अब ये जो पतंग आ रही है, ये पतंग थोड़ी ख़ास है। सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, पतंग में यहाँ पर टेप लगाया है। अब एक बात ध्यान रखें, जिन जिन पतंगों में यहाँ पे टेप लगा हो किनारे से, तो आप समझ जाया करें कि भाई ये पतंगें लड़ी हैं तेज़ हवा में, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो पतंगें यहाँ से फटने का डर रहता है, तो लोग यहाँ पे टेप लगा देते हैं। तो जो पतंग आप पकड़ें और उसमें यहाँ पे टेप लगाओ, तो आप समझ जाया करें कि ये पतंगें तेज़ हवा में लड़ी हैं। पतंग बढ़िया है, और पतंग इसलिए भी खास है क्योंकि भाई ये पतंग है मुरादाबाद की पतंग है। चलिए यहाँ पर स्टैम्प नहीं है इसकी, पीछे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, पत्ते पे स्टैम्प लगी है, आप देख सकते हैं मुरादाबाद की पतंग है। और नंबर भी देख सकते हैं पहुंच करके, अगर आपको पतंगें चाहिए तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया ये भी पतंग। चलिए अगली पतंग आती है, तो अब जितनी ये पतंगें हैं ज़्यादातर ये पौनी है नीचे की। अब ये देखिए, सबसे पहले पतंग की टेपिंग मुझे समझ में नहीं आई कि इस बंदे ने किस हिसाब से टेपिंग करी है, और जबकि पतंग पेजों में लड़ी थी। ये देखिए, यहाँ से उल्टी सीधी टेपिंग कर रखी है इनने। पतंग बहुत बढ़िया है, लेकिन यार इनने टेपिंग ऐसी करी है कि पतंग की जो सो है पूरी इनने ख़राब कर दी है। और जो पतंग का पेपर है वो है खातिमा कागज़। ये देखिए, पतंग यार सॉलिड है एकदम, बढ़िया है, फंसा के लड़ाने में मज़ा आ जाएगा।
और एक बात और बताना चाहूँगा, जितनी पतंगे जो जिनकी काप मोटी होती है, मतलब थोड़ी सॉलिड पतंगे होती हैं, तो अगर उनसे आप फंसा के पेस खेलेंगे तो बहुत बढ़िया पतंग काम करेगी और बहुत बढ़िया पतंगे काटेंगी। और ये पतंगे होती हैं लंबे रेंज की, जितनी गोल फर्मे की पतंगे होती हैं ज़्यादातर लंबे रेंज की होती हैं। ये देखिए पतंग के काइट मेकर का नाम आप देख सकते हैं पॉज करके और नंबर भी नोट कर सकते हैं। चलिए तो हम इसे भी अब अलग रखते हैं। अब लाते हैं अपनी नेक्स्ट पतंग। तो ये देखिए ब्राउन कलर में पतंग है। सबसे पहले पतंग का कागज़ बता दूँ, खातिमा कागज़ है ये भी। और ये पतंग है थोड़े लंबे फरमे में, आप कह सकते हैं पतंग की जो काप है एकदम सॉलिड है, बढ़िया। और पौनी पतंग की काप ज़्यादातर सॉलिड ही होनी चाहिए, क्योंकि पौनी पतंग जो होती हैं वो लंबे पेज में ही ज़्यादातर यूज होती हैं। इसे रखते हैं अलग। अब ये वाली पतंग आई है भाई, ये पेपर दो पतंगें हैं ये, और दोनों का पेपर ये थोड़ा ख़ास है। तो ये पेपर जो है ये त्रिवेणी कागज़, और अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं एक के पतंगों के कौन कौन से पेपर होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। पतंग आप देख सकते हैं पौनी पतंग है लंबे फरमे में, और पेपर इसका त्रिवेणी पेपर है, जिसे ज़्यादातर अब लोग जर्मन भी कहते हैं। थोड़ा हल्का पेपर होता है इसका पतंग। अब मैं एक बार बता दूँ, जिन लंबे काट की जो पतंग होती हैं और उनका पत्ता अगर होगा छोटा, ये देखिए ऐसे लंबे में होगा पत्ता, तो इसका मतलब ये पतंग है कम रेंज में लड़ेगी, और ये पतंग लड़ेगी खींच के। और जो पतंगें होती हैं पौनी गोल फर्मे की और उनका पत्ता होता है मोटा, तो वो पतंगें लड़ती हैं लंबे पेज में। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जिन पतंगों का पत्ता थोड़ा पतला होगा छोटा होगा वो समझ लेना खींच के मतलब की है, और जिन पतंगों का पत्ता होगा भारी वो पतंग लेंगी ज़्यादा लोड, और वो पतंग लड़ेंगी आपकी लंबी। पतंग का मेकर का नाम देख सकते हैं आदिल बरेली लिखा है, पीछे से मैं दिखा दूँ आदिल काइट मेकर सैम लिखा है, नंबर देख सकते हैं। और भाई ये कुछ उर्दू में लिखा है, तो अगर किसी को आती हो तो मुझे कमेंट जरूर करना कि क्या लिखा है भाई ये। मेरे ख्याल से आदिल ही लिखा होगा ये भी उर्दू में, कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या लिखा है। और हाँ मुझे ये भी कमेंट कर देना कि पतंगों में कौन कौन से पेपर यूज होते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक आपके लिए अलग सी वीडियो बना दूंगा। अभी देखिए ये भी है त्रिवेणी पेपर में पतंग है, बहुत हल्का पेपर है और इसका रंग थोड़ा उड़ गया है, क्योंकि ये पतंग थोड़ी पुरानी है, पुरानी पतंग होगी जिसने लड़ाई है। अब ये पतंग गोल फर्मे में अद्दी पतंग है, और ये देखिए पतंग की काप। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भाई जो ये पतंग है ये मेरी तरफ एक क्लब है, मतलब पास में ही क्लब है, उनके पास ये पतंगें हैं और वो बहुत पुरानी पतंगें रखी हैं, वो ज़्यादातर ये पतंगें लड़ाते हैं। और इसके पहले मैं पतंग के काइट मेकर का नाम दिखा दूँ, अकबर लिखा है, तो अकबर की भाई पतंग है ये, और उनके पास ये बहुत सारी पतंगें रखी हैं। मैं ज़्यादातर दो तीन पतंगें मैंने इनकी पहली भी पकड़ी थी और मुझे बहुत बढ़िया लगी ये पतंगें, तो भाई ये पतंगें मैंने आज पकड़ी हैं। चलिए मैं आप कुछ पेज दिखाता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी तरफ यार काफ़ी पेज लड़ रहे हैं क्लब वालों के, और टाइम जो हुआ है वो मेरे ख्याल से अभी 6:40 हुआ होगा। तो ये देखिए आपको पतंग दिख रही होगी, पतंग जो है ये बढ़ के जाएगी, और वहाँ पे वो देखिए वो पेज लड़ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते होंगे आपको दिख रही होंगी 3-4 पतंगें, और वो क्लब वालों की पतंग है। तो दोस्तों वो देखिए वहाँ पर पेज लड़ रहा है एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो देखिए वो पतंग ने भर लिया है नीचे से, और वो पतंग ने ऊपर से मारा, और लेकिन वो कट गई, वो देखिए। लेकिन यार मैं आपको इस वीडियो में सारे पेज नहीं दिखाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो मैं आप पेजों की वीडियो बनाऊंगा तो ये आपको जल्दी मिल जाएगी। और मैं अगर आपको यहाँ पे भी थोड़ा व्यू दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी सूरज निकली रहा है और मेरी तरफ काइट फाइटिंग यार स्टार्ट हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रेज़ है मेरी तरफ के लोग को काइट फाइटिंग का, क्योंकि यहाँ पे यार क्लब है तो वो कंटिन्यूसली छतों से लड़ाते रहते हैं और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना पाता हूँ। अच्छा आप वो लड़का देख रहे होंगे यार, वो बहुत देर से मुझे देख रहा था और वो सोच रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसे समझ में नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिरकार। तो चलिए उसे जाने देते हैं और हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों वो देखिए वहाँ पे एक पेज लड़ाता और उसकी पतंग जो है कट के आ रही है, और एक बंदा लपेटने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद उसके उसमें डोर नहीं आई है, और वो पतंग देखते हैं हमें हमारे पास आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों यार वो पतंग यहाँ तक आ गई लेकिन मेरी छत में नहीं आई, वो देखिए मेरे बराबर से निकल के जा रही है वो पतंग। चलिए फिर याली तो चली गई।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी और मुझे उम्मीद है कि यार आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने पतंगबाज दोस्तों में और मुझे कमेंट भी जरूर करना जो मैंने आज की वीडियो में आपसे क्वेश्चन करे थे। और अगर आपको ऐसी वीडियो आगे भी देखनी है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।